हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर ऑफ़ अरुण शर्मा बुक एवरेजिस्ट चैप्टर इन अ बैग देयर आर वन फिफ्टी कॉइन्स ऑफ रुपीस वन फिफ्टी पैसे एंड ट्वेंटी फाइव पैसे डिनोमिनेशन इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ़ द कॉइन इज रुपीज़ वन देन हाउ मेनी रुपीज़ कैन बी कंस्टीट्यूटेड बाई फिफ्टी पैसा कॉइन्स ऑप्शन सिक्सटीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी एट और एन ऑफ़ दिसन पूछ रहा है कि फिफ्टी पैसे का कितना कॉइन रहेगा इस बैग में ठीक okay? है और डिनोमिनेशन दिया हुआ है रुपीज़ वन फिफ्टी पैसे ट्वेंटी फाइव पैसे टोटल कॉइन है वन फिफ्टी और टोटल वैल्यू है वन फिफ्टी ठीक है देखते हैं ठीक है तो डिनोमिनेशन पहले लिखते हैं रुपीज़ वन का है और फिफ्टी पैसे का है और ट्वेंटी फाइव पैसा है ना? टोटल कॉइन्स क्या है टोटल कॉइंस है फिफ वन फिफ्टी कॉइन्स है ना टोटल वैल्यू उस बैग में वो भी है वन फिफ्टी रुपीज़ का ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे डिनोमिनेशन लिखते हैं और यहाँ पे प्राइस ठीक है तो हमें टोटल मिला के वन फिफ्टी ही लाना है और उतने कॉइन यूज़ करना जितने क्वेश्चन मैंशनड है वन फिफ्टी लेकिन हमें डिनोमिनेशन दिया वन फिफ्टी और ट्वेंटी फ़ाइव सिर्फ़ एक ही ये तीनों के मिला के हम लोग को डेढ़ सौ कॉइन बनाना है और वन फिफ्टी वैल्यू लाना है सिर्फ़ एक ही पॉसिबिलिटी होता है वो है वैल्यू सॉरी टोटल कॉइन्स यहाँ पे टोटल काइन्स होगा ठीक है टोटल कॉइन्स जब टोटल कॉइन्स वन फिफ्टी होगा और डिनोमिनेशन में रुप रुपीज़ वन आएगा तो वही टोटल हमारा वन फिफ्टी आएगा ठीक है यही एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर फिफ्टी पैसे इसमें इंक्लूड रहता उस बैग में या फिर ट्वेंटी फाइव पैसा तो प्राइस वन फिफ्टी नहीं आता इससे कम ही हो रहा था या फिर ज़्यादा ठीक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज नैन ऑफ दिस मीन्स उस बैग में फिफ्टी पैसे का जो वैल्यू है वो नहीं होगा ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस